महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, बदल गया अब अहमदनगर जिले का नाम, अहिल्यानगर नाम से जाना जाएगा अब अहमदनगर। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका, बदलाव के बाद भी छत्रपति संभाजी नगर को कहते हैं औरंगाबाद विपक्षी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान जो है वो कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार तभी पार्टियां जो हैं वो कर रही हैं। पर इसी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का अब आधिकारिक रूप से नाम बदल दिया गया है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से, जो कि एक बड़ा झटका है उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो महाराष्ट्र में रहकर भी औरंगजेब के जमाने की राजनीति करती हैं, या फिर हम कहें कि उस तरीके की मानसिकता का समर्थन करती हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब अहमदनगर जिले का नाम अहिल्यानगर हो गया है। बकायदा इस बारे में अधिसूचना भी सरकार के तरफ से अब जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर करने की मंजूरी दे दी है। इस साल मार्च में राज्य मंत्रिमंडल ने अहमदनगर का नाम बदलने का फैसला केंद्र यानी कि बदलने पर जो है वो केंद्र की मंजूरी मांगी थी, और इसी पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने बताया है कि यानी कि एक तरफ तो उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास बताते हुए तमाम बातें कही हैं, तो इसी के साथ उन्होंने देश की मोदी सरकार का भी धन्यवाद किया है जो उस तरीके से अब ये नाम जो है वो बदला गया है। इसी के साथ राधा कृष्ण विखे ने कहा है कि 18वीं सदी इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश की शासक अहिल्याबाई होलकर ने इसी जिले की थी, और इससे पहले महाराष्ट्र औरंगाबाद का यानी कि औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम भी बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर दिया गया था। अहमदनगर का नाम बदलने की मांग काफी दिनों से महाराष्ट्र में चल रही थी, जिस पर गौर करते हुए ये प्रस्ताव जो है वो महाराष्ट्र की सरकार ने आगे रखा। और देखिए लगातार सोशल मीडिया और महाराष्ट्र में ये मांग कई बार उठी, जिस पर गौर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अहमदनगर जिले का नाम बदलने की घोषणा की थी, जिसके यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने घोषणा की और उसके बाद ही एक प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से पेश किया गया था, जिस पर अब केंद्र सरकार की तरफ से भी लग चुकी है मोहर। और देखिए आपके लिए बता दें कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, फिर ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया, और इससे पहले भी देश में कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। शहरों के नाम बदलने पर आए दिन सियासत भी होती रहती है। विपक्षी दल अक्सर जो है वो सरकार को जगहों का नाम बदलने को लेकर घेरते रहते हैं और ये कहते हैं कि सरकार जो है वो नाम बदलने के अलावा जो है वो कुछ और काम नहीं कर रही है, विकास का काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ नाम बदलने पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, और खास तौर पर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अव्वल नंबर पर है, जो इस तरीके से सवाल जो है वो उठाती हुई नजर आती है देश की मोदी सरकार के ऊपर। और आपके लिए बता दें कि आज ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार यानी कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है ये उसके लिए एक बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार आज भी छत्रपति संभाजी नगर को औरंगाबाद ही कहते हैं, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र में यानी कि अभी राहुल गांधी की रैली हो रही है, लगातार पार्टियां जो हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में अभी से लगी हुई हैं, पर देखिए यहां पर जहां पर भी चुनाव प्रचार इन तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, और
और जब भी नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है पार्टियों की तरफ से, इनविटेशन जो जारी किया जाता है, अधिसूचना जो पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जब छत्रपति संभाजी नगर को लेकर जारी की जाती है, तो जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी शामिल है, ये लोग आज भी छत्रपति संभाजी नगर को औरंगाबाद ही अपने पार्टी के कार्यक्रमों में लिखते हैं, जो कि एक मानसिकता जो है वो विपक्षी पार्टियों की दर्शाता है। इस पर देखिए, अगर हम बात करें कि ये तमाम पार्टियां जिस तरीके से छत्रपति संभाजी नगर को आज भी औरंगाबाद कहती हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से इन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत ज्यादा तकलीफ है और ये सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, या तो हिंदुओं से इतना ज्यादा ये नफरत करते हैं कि हिंदुओं से जुड़ी किसी भी शब्द को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और ये मेरा खुद का वाक्य नहीं है, बल्कि यही टिप्पणियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर आज जनता करती हुई नजर आती है, जब ये विपक्षी पार्टियां लगातार छत्रपति संभाजी नगर को औरंगाबाद कहती हैं, क्योंकि औरंगाबाद नाम जो है ये मुगल शासन के टाइम से है, और उन मुगलों के नाम पर जिस तरीके से औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद रखा गया, और इस तरीके के नामों को बदलने का लगातार प्रयास जो है वो देश की मोदी सरकार और जहां जहां एनडी और बीजेपी की सरकार जो है वो वहां पर किया जा रहा है। और वही देखिए, यही तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया पर उड़ रही है। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और एक यानी कि लगातार अब ये जो बातें हैं, जिस तरीके से अब एमबीए पार्टी का जो मानसिकता समझ आ रही है, इनकी तमाम प्रंतियां जो पार्टी के इनविटेशंस की हैं, वो भी सोशल मीडिया पर इस समय पर लोग पोस्ट कर आज इन पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, यहाँ पर अब बात आई है अहिल्याबाई नगर की, जो की एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। दरअसल ये फैसला अभी भी लिया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई है। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि देखिए, कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद सरकार जो है वो कोई भी काम विकास जो है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि तभी से आचार संहिता जो है वो महाराष्ट्र में लग जाएगी। और इसीलिए अभी टाइम का फायदा उठाते हुए तमाम चीजों पर ध्यान रख रही है महाराष्ट्र की सरकार, और उन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये नाम बदला गया है। और देखिए, नाम बदलने को लेकर मैंने पहले ही बताया है कि मंत्री वीके पाटिल ने जो है वो इस फैसले पर देश की मोदी सरकार का धन्यवाद कहा है। शहर के संरक्षक मंत्री हैं राधा कृष्ण वीके, और उन्होंने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अहिल्या देवी की जयंती का 300वां वर्ष है, और ये जो अब फैसला लिया गया है ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार के नामांतरा के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद अहमदनगर जिले को अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा, और इसीलिए मोदी सरकार का धन्यवाद जो है वो भी वीके पाटिल ने किया है। अब देखना अहम रहेगा कि देखिए, अब नोटिफिकेशन जारी कर नाम तो बदल दिया गया है, बात महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, जब भी केंद्र सरकार की तरफ से मुगलों के द्वारा रखे गए नामों को बदला जाता है, उस समय पर ही विपक्षी पार्टियां राजनीति का एजेंडा लेकर सामने आती हैं। खैर, अभी तक इस पूरे यानी कि यहां पर नाम बदलने को लेकर विपक्षी तरफ से कोई उंगली नहीं उठाई गई है, पर जाहिर है कि जल्द ही कोई ना कोई बयान जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना या एनसीपी यानी कि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आना लाजमी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब भी कुछ ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जाता है, विपक्ष को हमेशा उससे परेशानी ही नजर आई है, और ये कई बार हमने पहले भी देखा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।